हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। सो गाइस, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो बात करते हैं एक आईपीओ की, जो कि आईपीओ का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। एक आईपीओ आ रहा है एंजल ब्रोकिंग का, काफ़ी अच्छा आईपीओ, काफ़ी अच्छी कंपनी है। इवन जो डीमैट अकाउंट में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है इस कंपनी ने, और ये फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है जो कि इस इन टर्म्स ऑफ एक्टिव एनएससी क्लाइंट, और जो इसमें जो ये वैसे ओवरऑल सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल एनएससी क्लाइंट, जो कि इसने Q1 में जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लिया था। इसके आईपीओ की बात करते हैं। आईपीओ की स्टार्ट डेट है आज से 22nd of September, जो कि 24th को ये क्लोज होगी। इसकी फेस वैल्यू है वो 10 पर इक्विटी शेयर, जो कि आईपीओ की लिस्टिंग प्राइस है दिस इश्यू प्राइस है वो है 305 टू 306 पर इक्विटी शेयर। इसका लोट है 49 शेयर। सो गाइस, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इकोनॉमिक्स टाइम्स पे भी इसकी न्यूज़ आई हुई है। इवन अच्छी ऑलरेडी इसका जो टोटल जो बुकिंग है वो अराउंड 25% के आसपास ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। जब ये लिस्टिंग होगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा इसमें, जस्ट बिकॉज ऑफ काफ़ी अच्छा काम कर रही है मार्केट में। तो आईपीओ का सीजन है, तो पहले ही कुछ और भी आईपीओ आए हैं अभी कल से जिसका अभी आईपीओ जो स्टार्ट हुआ है, जो कि इशू उन्होंने जो लोट इशू किए हैं उसमें से है कैंप्स, जो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि कल मैंने वीडियो बना के एक अपलोड भी की थी। प्लस कल एक और आईपीओ स्टार्ट हुआ था कैमकोन का, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, केमिकल कंपनी है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। बट ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको देखें दैन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करेगा। अगर आपको लिस्टिंग में जितना प्रॉफिट मिलेगा, मे बी यू नीड टू स्पूल योर प्रॉफिट फ्रॉम दिस लिस्टिंग। सो गाइस, अगर हम अभी एंजल ब्रोकिंग की बात कर रहे हैं तो हर जगह मनी कंट्रोल पे भी इसकी न्यूज़ है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मोर देन 25% ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। सो कैम्प्स का मैं बता दूँ, पहलली कैम्प्स का जो कल मैंने वीडियो भी बनाई थी, जो कि 1230 रुपये इसका प्राइस पॉइंट था और 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है, 12 शेयर का इसका लोट है। सो गाइस, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर इसकी कैमकोन की बात करें, कैमकोन का लोट साइज़ है वो 44 शेयर है और इसका इशू प्राइस है दैट इज़ 3.38 to 3.40 पर इक्विटी शेयर है, जो कि ये NSE और BSE दोनों पर इसकी लिस्टिंग होगी। सो काफ़ी अच्छा शेयर है, बट दैट इज़ ओनली फॉर दिस लिस्टिंग। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जब ये नीचे आए दैन यू नीड टू टेक दैट इज़ केमिकल फार्मा कंपनी। अच्छा ग्रो करेगी नो डाउट इस कोविड सिचुएशन में, हर किसी को मेडिसिन की ज़रूरत होती है। गाइज, अगर इसकी और लिस्टिंग देखें, इसकी लिस्टिंग होगी 1 अक्टूबर को कैमकोन की। काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट दैट इज़ ओनली फॉर लिस्टिंग। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट सेम थिंग। सो गाइज, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू, टेक केयर।